जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। नग्न हालत में उपचार के लिए दाखिल कराने के बाद जिला अस्पताल से गायब हुई जिस लड़की को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस अनशनकारी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय से मोहलत मांगती रही, वही लड़की थाने से चंद मीटर की दूरी पर सड़क किनारे बैठी मिली। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की सक्रियता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बताते चलें कि पिछले दिनों बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय को मेडिकल कॉलेज के पास पीजी हॉस्पिटल के निकट सड़क किनारे एक लगभग 30 वर्षीय युवती नग्न हालत में पड़ी मिली थी। युवती के अंतर्वस्त्र में जगह जगह खून लगा हुआ था जो सूख गया था। भानु ने इस मामले में प्रशासन से मदद मांगी लेकिन पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई। हालांकि बाद में युवती को सरकारी एम्बुलेंस से जिला राज के चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड नंबर 10 पर दाखिल कर दिया गया। अगले दिन जब भानु युवती को नाश्ता देने तथा हालचाल लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे तो पलंग खाली मिला। वहां मौजूद नर्स तथा अन्य स्टाफ से पूछताछ की गई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भानु ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से युवती के बारे में जानकारी देने की कोशिश की तो वह भी कोई जवाब नहीं दे पाए। इस लापरवाही के विरोध में भानु ने जिला राज के चिकित्सालय में ही बीमारी की हालत में धरना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस तथा प्रशासन ने एक दिन की मोहलत मांगते हुए धरना स्थगित करा दिया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष ने एक की बजाय दो दिन की मोहलत दी, साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि युवती नहीं मिली तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। मोहलत निकल जाने के बाद भी पुलिस युवती को नहीं ढूंढ पाई तो भानु ने अपने घर पर हाउस अरेस्ट होने के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जिस युवती को ढूंढने के लिए पुलिस मोहलत मांगती रही, वही युवती बीच शहर में थाने से चंद मीटर की दूरी पर सड़क किनारे बैठी मिली। इसकी भी जानकारी भानु ने ही पुलिस को दी। दरअसल भानु का भतीजा जब कोतवाली क्षेत्र के गांधीगढ़ टपरा के पास से जा रहा था तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठी युवती पर पड़ी। इस युवती को देखते ही वह पहचान गया। इसके बाद उसने चौराहे पर बैठे पुलिस कर्मियों से युवती के मिल जाने की जानकारी देते हुए पुलिस को बुलवाकर उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो पुलिस कर्मियों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इस पर भानु के भतीजे ने फोन से पुलिस कर्मियों की भानु से बात कराई, तब कहीं जाकर पुलिस सक्रिय हुई और युवती को अपनी अभिरक्षा में लिया गया। इस पूरे मामले में योगी सरकार की पुलिस के बड़े बड़े दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की सक्रियता भी सवालों के घेरे में आ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहलत मांगने के बाद वास्तव में पुलिस ने युवती को ढूंढने की कोशिश भी की या नहीं।